ये बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही है। तो हमारे यहाँ पहले मतलब जैसे जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है या कुछ भी ऐसा सेलिब्रेशन होता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ पूजा की जाती है। पूजा से ही हमारी शुरुआत होती है, तो इसलिए मैंने इस ब्लॉग को भी पूजा से ही शुरुआत की है। और जिस तरह मेरे बच्चे आज खुश हैं, हैप्पी हैं, उस तरह भगवान करे कि इनको दुनिया भर की सारी खुशियाँ इसी तरह मिलता रहे और ये सदैव हैप्पी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें ऐसे ही, और फूलों की तरह ये खिलें और दुनिया का मतलब हर सुख इनको प्राप्त हो, ऐसी मैं भगवान से कामना करती हूँ और दुआ करती हूँ ईश्वर से कि हे प्रभु मेरे बच्चों को ऐसे ही सदैव खुश रखना और ये दिन जो खुशियों वाला है वो सदैव मेरे बच्चों की ज़िंदगी में आती रहे। और आप लोग भी मेरे बच्चे को आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा कि ये हमेशा ऐसे ही खिलते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारा प्यार भी आपसे इसी तरह बना रहे और ये जो संबंध हमारा दोस्ती का जो जुड़ा है इसी तरह मतलब चलता रहे और ये दिन हर रोज आए हमारे बच्चों के लाइफ में। I think about him all the time. I think about him all the time. I think about him all the time. All the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs. So I can't get enough. I think about him all the time. I can't get him off my mind. Oh, I want him. एक करी का जो ग्रेवी होता है ना उसी का मतलब ये यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो ये उसी इन सभी को पीस करके और ग्रेवी बनाना है। एक तरफ ये सेमिया का खीर बन रहा है। यहाँ पर मैंने छोला बनाने के लिए जो चना होता है काबली चना उसको मैंने बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर मैं एग करी बनाने जा रही हूँ तो उसके लिए मतलब एग को मैंने पहले फ्राई कर लिया है। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा हल्का सा। और ये देखिए मेरा एग जो है बॉईल करते वक्त थोड़ा ये हो गया था, पता नहीं कैसे अजीब टाइप का कुछ अंदर से वो निकल गया था इसका। तो यहाँ पर मैंने एग को बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद मैं हल्का मतलब फ्राई कर लिया है। और देखिए इसमें करी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मतलब एक प्याज लिया था, दो मीडियम प्याज लिया था और थोड़ा सा धनिया पत्ता लिया था और कैश्यू नट लिया था और वही लहसुन वगैरह जो होता है हरी मिर्च ये सब लेकर के उसका पेस्ट बना लिया था और तड़का लगा दिया। तड़के में मतलब जैसे कि डाला एक सिनेमन डाला था और तेज पत्ता डाला था बस, और वही जो पेस्ट बनाया था उन सबको डाल करके और अच्छे से फ्राई करना है। एकदम मतलब तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये जो जो मसाला हमने डाला है इसमें से जब तक कि तेल ना छोड़ दे, तब तक इसको फ्राई करते रहना है। क्योंकि फिर प्याज इसमें है ना तो प्याज जब कच्चा रहता है तो उसका मतलब थोड़ा स्वाद अजीब टाइप का आता है। तो ये देखिए यहाँ पर फ्राई हो चुका है और यहाँ पर बस वही मैं थोड़ा सा मिर्च पाउडर और हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा सा एक करी मसाला जो होता है ना वो मैंने डाला है यहाँ पर, और बस वही भून करके हल्का सा और पानी डालना है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इसको भून दिया है पहले ही। तो ड्राई मसाले को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ऐसे ही भून करके और डाल देना है और बस ये हमारा रेडी हो गया। और ये देखिए हमने छोला बनाया था तो ये छोला भी हमारा बन करके रेडी हो गया है क्योंकि बर्थडे है तो बच्चों को तो बनाना पड़ेगा ना। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ब्रेड कटलेट बना रही हूँ, ये जो मतलब जो नाश्ता होता है ना उसके लिए मैंने बनाया है उसमें रखने के लिए। तो बस ये कटलेट का तो मैं रेसिपी दे ही चुकी हूँ और ये आलू स्टफिंग इसमें मैंने बनाया था। तो आलू स्टफिंग तो वही वैसे ही होता है जैसे कि मतलब जो समोसे वाला जो बनता है ना बस वही वाला इसमें उसी तरीके से बना। Can somebody save me, save me? I never know which way I'm supposed to go. All I do is stare out my window. I feel just like a ghost that you walk right through. I feel like a shadow. I just wanna know, am I insane, insane? I just wanna know, am I insane, insane? I never know which way I'm supposed to go. ब्लूमी
उम्मीद ग्रेस लाइफ में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं ठीक हूँ और आप सब कैसे हैं बताइएगा जरूर। और आज क्या है, आज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। टुडे इज वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज मी क्या आवर फैमिली, क्योंकि आज क्या है बता दूं? चलिए बताई दे रही हूँ आप लोगों को, आज केशव का बर्थडे है तो हुआ ना स्पेशल। और बर्थडे तो यार देखिए, बर्थडे जो होता है एक माँ के लिए, बच्चे के लिए तो खास होता ही है, बट एक माँ के लिए भी उतना ही खास होता है जितना कि मतलब एक बच्चे का बर्थ, क्योंकि उस दिन उस मतलब एक औरत को वो बच्चा आ करके एक माँ का मतलब दर्जा देता है और उसे एक औरत से पूर्ण औरत बना देता है, पूर्णता औरत बना देता है जो अपने आप में संपूर्ण हो जाती है। तो देखिए माँ का हम मतलब परिभाषा, कोई माँ को तो परिभाषित कोई कर ही नहीं सकता है, कोई नोबडी कैन मतलब इसको परिभाषित माँ को कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी माँ की कोई परिभाषा नहीं है, कोई मतलब कर ही नहीं सकता है। ये अपने आप में ही इतना मतलब बड़ा शब्द है जिसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है। और तो ये आज मतलब मैं बोली, देखिए आप लोगों के लिए मैं ये थोड़ा सा माँ पे थोड़ा बोली, क्योंकि आज मेरे मतलब बच्चे का बर्थडे है तो इस वजह से मैंने थोड़ा बोला, क्योंकि इसी की वजह से आज मैं एक माँ बनी हूँ और एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी तो कुछ हो ही नहीं सकती है, कम से कम नहीं कुछ तो एक माँ अपने बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकती है कि अपने बच्चे की खुशी के लिए थोड़ी बहुत तो मतलब कर ही सकती है। ये जितने भी डेकोरेशन आप देख रहे हैं ना, ये सब मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि हाँ इसको यहाँ लगाओ वहां लगाओ, बट ये सारा कुछ खुशी ने मतलब किया है, जितने भी इसके क्रेडिट जो है वो खुशी को जा रहे हैं, दोनों भाई बहन मिलकर ये किया है, तो जो बर्थडे बॉय है उसने भी किया है, बहुत किया है, तो होल क्रेडिट गोज टू द खुशी। देखिए बर्थडे के लिए तो जितना बच्चे का बर्थडे बॉय जो या गर्ल जो भी हो मतलब जितना एक्साइटमेंट उनको होती है उससे कहीं ज्यादा पेरेंट्स को भी होती है कि नहीं होती है, कि नहीं होती है। Keeps talking about everything that he likes and I can't stop listening. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time. I'm thinking about him all the time, all the time. And my heart's beating fast when he's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that he moves and the way that he laughs, so I can't get enough. I'm thinking about him all the time. I can get him off my mind. I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him na 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 na. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it's dark, when it's dark. I told him I would do it all for you, and I know you do it for me too. और हमारे यहाँ जब मतलब केक काटने से पहले, जब बच्चा केक काटने से पहले मतलब उसकी आरती करते हैं, मतलब वही तिलक लगाते हैं और मतलब भगवान की, उससे पहले भगवान की पूजा करवाते हैं बच्चे से भी और खुद भी करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसको आरती मतलब पेरेंट्स जो होते हैं मम्मी पापा वो आरती उतारे, हमारे यहाँ मतलब ऐसा विधि होता है, तो बस तिलक लगाते हैं और वही जो कच्चा चावल होता है वो दाने कुछ छिड़कते हैं और वही घी का दिया जलाते हैं, उसे आरती करते हैं, उसके बाद ही मतलब केक जो होता है कटिंग होता है और बस वही आशीर्वाद देते हैं। तो इसी तरह कुछ हमारा मतलब सेलिब्रेट हुआ हमारे बच्चे का बर्थडे। तो देखिए अभी केक काटा जा रहा है और ये तो होना ही चाहिए यार, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान की तो थोड़ी बहुत मतलब पूजा होनी ही चाहिए, तो भगवान करे कि ये आशीर्वाद होता है ना, तो ईश्वर करे मेरा बेटा ऐसे ही मतलब एक अच्छा इंसान बने
और क्या बोल सकते हैं। Even if we're staying bad, my heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him, nah, 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 nah. My heart is saying yeah, 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 yeah. I told him I can be a fighter if you want. I'll be there to catch you if you fall. I can make it brighter when it's dark, when it's dark. I told him I would do it all for you, and I know you do it for me too. बस खाने में मतलब जब सब कुछ पार्टी वार्टी हो गया तो खाने में मैंने पूरी बनाया था और मटर पुलाव बनाया था, बस थोड़ा सा ही बनाया था। और बस यही था हमारा आज का मतलब स्पेशल खाना। और थोड़ा सेमिया बनाया था, गाजर का हलवा बनाया था, और वही छोले बनाए थे और एग कड़ी बनाया था, और आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनाई थी, बट वो मैंने शूट नहीं किया था ये सब। तो बस मटर पुलाव तो सिंपल ही होता है, बस वही एक प्याज काटो और मटर डालो, चावल डालो। मैं यहाँ पे मतलब सिंपल ही बना रही हूँ, फ्राई करना है और वही सिनेमन वगैरह डालना है तड़के में, तेज पत्ता डालना है, गाजर और मटर को मैं डाल करके अच्छे से पहले चावल को फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद में आप अपना मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल सकते हैं, मैंने भी डाला है इसमें, तो उसमें एक चम्मच नमक डालना। और हल्दी मसाले तो इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये सिंपल पुलाव है, तो इसलिए इसमें बस ऐसे ही मतलब बना दिया है। और ये देखिए गिफ्ट जो होता है ना, बच्चे एक्साइटमेंट होता है ना गिफ्ट की भी, तो देखिए मैंने जो गिफ्ट दिया है वो ओपन कर रहा है, पापा ने जो गिफ्ट दिया है उसको भी ओपन करके देख रहा है कि मम्मी ने क्या गिफ्ट दिया है। तो बस मैंने तो एक टी शर्ट दिया था और वो दिया था, और ये देखिए हमारा खाना रेडी है बन करके। ये देखिए पार्टी होने के बाद में अब जो घर की कंडीशन हो जाती है ना, देख लीजिए। अब बताइए इन सबको समेटने में मुझे कितना वक्त लगेगा, सब कुछ एकदम फैला हुआ है, बाप रे। और आज खुशी खुद ही अपनी चोटी कर रही है क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था, देख लीजिए। और देखिए कैसे मेरा सब कुछ एकदम पड़ा हुआ है, अब इन सबको समेटना है। ये देखिए जो चीज़ जहाँ है वहीं पे पड़ा हुआ है। और ये खुशी के लिए नाश्ता देने जा रही हूँ, आज नाश्ते में बस ये कटलेट ही बनाया है, लेफ्ट ओवर नहीं है ये, अभी सुबह में मैं बनाई हूँ। और थोड़ी सी पूड़ी बनाई थी तो हस्बैंड तो वही खा करके गए, खुशी को देने जा रही हूँ।
लो बेटा खुशी, चलो खाओ, लो लो लो। और खाना वगैरह बनाने के बाद में रात में पार्टी जब ख़त्म हो गई उसके बाद सब खाना पीना बनाया और खाया, उसके बाद मैं इतना लेट हो गया था ना कि मत पूछिए, मतलब वीडियो एंड करने का मुझे वक्त ही नहीं मिला। फिर मैं बोली कि चलो कोई बात नहीं, सुबह में एंड कर दूंगी, क्योंकि अब पूरा ऐसे ही मैंने छोड़ दिया था। मैं एकदम हिम्मत ही नहीं थी यार, बिल्कुल मैं थक गई थी, तो बोला कि छोड़ो जाने दो। तो फाइनली मेरा सारा काम डन हो गया, साफ सफाई का सब चीज़ हो गया है, बस दूध को गर्म करना है। और तो दूध को बैठा दूंगी और नहाने चली जाऊंगी, ये बर्तन वगैरह भी सब साफ हो गया है, टोटल क्लीनिंग डन हो गया। ये देखिए सब साफ सफाई हो गई मेरी, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया। और ये देखिए मेरी पानी गर्म हो रही, पानी गर्म हो गया, बस नहाने जाना है, क्योंकि सब चीज तो हो ही गया, बस नहाने जा रही हूँ अब मैं। बस घर की क्लीनिंग भी सब, बेडरूम वगैरह सब साफ कर लिया, बहुत हालत खराब हो गई थी यार, इतना घर गंदा हो गया था पूरा, सब साफ सफाई कर लिया।